Hello student, welcome back to our online classes. Today we will learn classmate math chapter number 4, topic parts and wholes. Student, इस topic में हम fraction of a whole numbers, यानी जो whole numbers है उनके fractions जो होंगे हमारे पास, उनके जो multiply होंगे या हमारे पास हम उनको sum करेंगे या subtract करेंगे, इसको हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे हम सम करेंगे उनका, कैसे हम उनका सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे. तो स्टूडेंट हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. हमें जो नीचे पार्ट्स दे रहे हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इनको सॉल्व करना है पहले, फिर इनकी हमें क्या करनी है स्टूडेंट, वैल्यू निकालनी है. हमारे पास स्टूडेंट ए पार्ट है 1/5 ऑफ 90, यानी अगर हम 1/5 ऑफ 90 निकालते हैं सॉल्व करके तो आंसर कितना आएगा. तो इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट 1/5. स्टूडेंट ऑफ का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऑफ साइन का मीनिंग आप समझोगे कि 1/5 में 90 का मल्टीप्लाई करना है. इट मीन्स आप साइन यूज करोगे मल्टीप्लाई एंड 90. और स्टूडेंट एक और बात आपको बतानी है, फ्रैक्शन में देखो आप देखोगे 1 का डिनोमिनेटर 5 है, बट फ्रैक्शन में 90 का कोई डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है. जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर स्टूडेंट हम 1 मान सकते हैं, हम इसके नीचे इसका डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं. अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई में क्या रूल है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से करोगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर से करोगे. तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट आपका 1 × 90 यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिवाइडेड बाय 5 × 1 इस प्रकार से स्टूडेंट ये सॉल्व करोगे आप. इसके जो आगे का स्टेप होगा स्टूडेंट आपका 90 × 1 90, 5 × 1 5 यानी आपका आ जाएगा स्टूडेंट 90/5. स्टूडेंट आप 5 से 90 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. आप इसको रफ में कहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, या आप पीछे कॉपी में रफ में 5 का डिवाइड आपने 90 से करना है स्टूडेंट. तो कैसे करेंगे हम, आप देखोगे 1 डिजिट है यहाँ पे, तो आप डिवाइड भी 1 डिजिट में ही करोगे पहले. तो आप 5 की टेबल पढ़ोगे, 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा. 5 × 1 = हम 1 टाइम ही करेंगे, 5 × 1 = 5. और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 9 − 5 यानी 4, और आप देखोगे स्टूडेंट आपका 4 रिमाइंडर बचा. 5 का डिवाइड 4 में नहीं होता है, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, 0 को नीचे उतार देना है, यानी अब ये 40 हो जाएगा. अब आप 5 की टेबल पढ़ोगे, 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40. तो 8 टाइम स्टूडेंट ये डिवाइड होगा, क्योंकि 5 × 8 = 40 और रिमाइंडर आपका 0. जब स्टूडेंट ने 5 का डिवाइड 90 में किया तो हमारा जो क्वेश्चन आया, यानी ये 18 आया, तो डिवाइड करके आपका क्वेश्चन आपका 18 आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट. स्टूडेंट हमारे पास इसी क्वेश्चन का ए पार्ट हमने किया, अब हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे. बी पार्ट में है आपका 2/7 of 63, यानी 2/7 में मल्टीप्लाई करना है हमें 63 का. और यहाँ पे आप अगेन देखोगे 63 का डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 होगा स्टूडेंट. तो आप इस तरीके से 2/7 of का मतलब इंटू, और 63 का डिनोमिनेटर नहीं है स्टूडेंट, ये 1 माना जाएगा. और इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई में, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 × 63 डिवाइडेड बाय 7 × 1. स्टूडेंट हम यहाँ पर एक दूसरे तरीके से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आपके पास दो तरीके हैं, 63 का मल्टीप्लाई आप 2 से करो, 7 का मल्टीप्लाई 1 से करो, फिर 7 से टोटल में आप डिवाइड कर दोगे, एक तरीका ये है. दूसरा आसान तरीका बताता हूं स्टूडेंट मैं आपको, आप 7 का डिवाइड देखो 2 से तो नहीं होगा,
लेकिन 63 से 7 आसानी से डिवाइड हो जाता है, तो 7 वन जा 7 यहां बना जाएगा, 7 9 जा स्टूडेंट 63 होता है, 7 9 जा 63। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया छोटे टुकड़ों में, फ्रैक्शन को तोड़ दिया, 7 वन जा 7, 7 9 जा 63। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या बचा, अब देखेंगे हम लोग, यहाँ 2 बचा ऊपर, एक 9 बचा, ये तो ब्रेक हो गया, एंड यहाँ 1 बचा, 1 इंटू 1 9 इंटू 2 स्टूडेंट हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 1 1 का डिवाइड 18 से करोगे तो स्टूडेंट हमेशा उतना ही आएगा 18। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका 18 ही है। स्टूडेंट हमने अभी तक दो पार्ट करे, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने दो पार्ट करे, और आपने देखा होगा इनको कैसे करना, आपने सीखा भी होगा, और स्टूडेंट जो बाकी इसके और पार्ट्स हैं ये आपको होमवर्क के रूप में घर में करने हैं अपनी कॉपी में। जैसे आपका एक पार्ट है 3/4 ऑफ 96, ये आप घर में करोगे, 2/5 ऑफ 90, ये भी आप घर में करोगे, 7/9 ऑफ 81, ये भी आप घर में करोगे, और लास्ट इसका जो पार्ट है 9/11 ऑफ 77। स्टूडेंट अगर आपको कोई दिक्कत होती है पार्ट में करने में, अभी भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।